हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डीलिंग विद द फोटोवोल्टिक सेल और इसमें आज आप इन्वर्स स्क्वायर लॉ स्टडी करेंगे। इन्वर्स स्क्वायर लॉ के अंदर हम डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे हमारे लाइट सोर्स का और हमारे जो सेल है उसका, और डिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारे करंट के और वोल्टेज के, वो देखिए आज स्टडी करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास आज एपरेटस में क्या क्या है। एपरेटस में सबसे पहले हमारे पास ये देखिए रिटर्न में हाथ लगाया है, ये सिलेंड्रिकल आपको लाइट सोर्स है ये। तो ये ऑर्डनरी लाइट सोर्स जो हमारा बल्ब होता है ना, येलो कलर की हल्की सी लाइट है, ऑर्डनरी लाइट सोर्स है। तो देखिए ये आपका बल्ब ऑन भी हो गया है, दिखाई दे रहा है ये आपको यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपके पास है ये मेन चीज़ है, ये आपका जो है ये सेल है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है। और आप जानते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस में एक पी टर्मिनल होगा, एक एन टर्मिनल होगा, और जो आपके पास जैसे ही आप इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो जंक्शन के ऊपर लाइट गिरनी चाहिए। तो एक टर्मिनल आपको बहुत थिन रखना पड़ता है ताकि जंक्शन तक लाइट पहुंचे, और जैसे ही जंक्शन पे लाइट जाएगी आपको पता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर गोइंग टू मूव इन द कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड से में जब जाएंगे तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और इस करंट के फ्लो को स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या आ गया है, हमारा गैल्वेनोमीटर आ गया है। गैल्वेनोमीटर में अब देखिए ज़रा गौर से देखिए, पास लेके जा रही हूँ मैं, बीच में ज़ीरो आ रहा है। बाकी आप जब वोल्टमीटर देखते हैं तो आप बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो देखते हैं और राइट हैंड साइड में आपकी डिग्रीज इंक्रीज़ कर रही होती हैं या वोल्टेज इंक्रीज़ करती हैं। सिमिलरली एमीटर में भी यही देखते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो होता है, यहाँ बीच में आपका जो है नीडल जो है देखिए ज़ीरो के ऊपर है, और थोड़ी सी अगर आप ध्यान दें तो थोड़ा सा हल्का सा ज़ीरो से देखिएगा एक डिवीज़न थोड़ा सा आगे पीछे लग रही है। तो जब भी आप रीडिंग लें तो अपनी नज़र जो है ना बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर रखें, ना तो लेफ्ट में टेढ़ा हो ना राइट में, रीडिंग लेते वक्त बिल्कुल सामने होना चाहिए आपका विज़न, बिल्कुल जहाँ से देख रहे हो ना उसी के ऊपर। जैसे अब देखिए कैमरा रेड कलर की नीडल नज़र आ रही है, बिल्कुल ज़ीरो पर, इसका मतलब आपका एपरेटस सही है, कोई भी एरर नहीं है आपके एपरेटस में। अब जैसे ही सर्किट अब बनाएंगे ना हम, तो सर्किट की वजह से ये डिफ्लेक्शन शो कर देगा। गैल्वेनोमीटर में एक खासियत आपको ये मिल जाती है, आपसे बेशक कनेक्शन उल्टे सीधे हो जाएं, आप पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कर दें तो राइट हैंड का साइड का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा आधे बच्चों को, जिन्होंने दूसरी तरह से लगा दिया तो उनको लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा रीडिंग कैसे लेंगे, यहाँ एंगल मेज़र करना है आपने। तो यहाँ क्या मान लेंगे हम, जो हमारी एक लाइन है छोटे वाली, देखिएगा ज़ीरो से लेकर 10 तक, चाहे लेफ्ट साइड देखो चाहे राइट साइड देखो, ज़ीरो से लेकर 10 तक 10 डिवीजन्स हैं, और एक डिवीज़न एक डिग्री से इंडिकेट हम यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि हम डिफ्लेक्शन शो करना चाह रहे हैं, ना कि हम यहाँ पर करंट मेज़र करेंगे। तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा करंट ज़्यादा, तो यहाँ डिग्री मेज़र कर लीजिएगा। तो ये जो आपकी रेड कलर की नीडल है, अगर लेफ्ट राइट में एक डिवीज़न आगे अगली एक लाइन पे चली जाएगी तो उसको हम एक डिग्री से इंडिकेट कर देंगे। तो अब देखिए कनेक्शन मैडम कर देंगे यहाँ पे, ये आपका जो सेल है, इस सेल से हमें मेज़र करना है ना, तो हमने क्या किया, इस सेल को एक जगह पर लाकर फिक्स कर दिया है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्केल है, स्केल में भी आपको देखिए पूरा का पूरा रीडिंग दे रखी है, ये 50, 51, 52। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको यहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस ही मेज़र करना है ना, तो ये आपने अप्रोक्सीमेट 98 के ऊपर, देखिए मैडम ने उंगली लगा रखी है, 98 के ऊपर सेट कर दिया है। तो आप जब ये फोटो कंडक्टिव सेल की डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस के लिए दो पॉइंट्स चाहिए, तो एक पॉइंट तो आपका 98 फिक्स कर दिया, इसको नहीं हिलाएंगे हम। देखिए ना हिलाने का रीज़न क्या है, आपने इसको किससे कनेक्ट करवा दिया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करवा दिया। अब अगर आपने इसको हिला दिया तो आपको ये दोनों चीज़ें उठाकर साथ में लेकर चलनी पड़ेंगी, तो ये काम तो हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको कर दिया फिक्स, हमने 98 पे किया है, आप 96 पे कर लो, 94 पे कर लो, इसको नहीं छेड़ेंगे हम किसको मूव करवाएंगे, क्योंकि देखिए हमारे फॉर्मूला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें आर को वेरी करवाना है। हम इसको हिला लें, इससे भी तो आपका आर चेंज हो जाएगा। आर क्या है, आर आपके इस सोर्स का और इस सेल का डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस तो आप कोई से भी तरीके से क्या करवा सकते हैं, चेंज। तो एक को फिक्स कर दो और दूसरे को क्या करवा दो आप, वेरी। तो हमारा जो सेल है ना उसकी वायर थोड़ी सी लंबी है, तो आप इजीली उसको क्या करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं।
तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैडम बता रही हैं, ये देखिए आप इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अब ऊपर नीचे एडजस्ट करने का क्या मतलब हुआ भाई, जो लाइट आए वो सारी की सारी किसके ऊपर जाए, आपके आपके इस सेल के पास जाए। तो देखिए इस सेल में भी एक एडजस्टमेंट है जिससे आप इसका लेवल ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस को भी आप एक तरह से दोनों एपरेट चीज़ें जो आपके पास है ना, दोनों को एक लेवल पे ले आइएगा कि पूरी लाइट जो सोर्स से निकले वो पूरी की पूरी आपकी कहाँ फॉल कर जाए, आपके इस सेल के सरफेस के ऊपर फॉल कर जाए। तो अब एक्सपेरिमेंट करते हैं शुरू। ये देखिए ये सोर्स ऑन हो गया है और इस सोर्स के ऑन होते ही हमारा गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखिएगा। अभी मैं आपको दूसरी साइड से दिखा देती हूँ, अदरवाइज़ वहाँ से मैं दिखाऊँगी तो वो लाइट जो है फ़ोन के ऊपर ही गिर जाएगी। तो अब देखिएगा डिफ्लेक्शन शो होगा यहाँ से, ये देखिए हिल गया ना, वो बंद किया। ये देखिए आपको मोबाइल में ये स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, जैसे ही लाइट आ रही है, चमक आ रही है गैल्वेनोमीटर के ऊपर, डिफ्लेक्शन हो गया। और जैसे ही मैडम लाइट ऑफ करेंगी, अब ये देखिए दोबारा आ गया। तो यह इसका मतलब आपका लाइट जो है बिल्कुल सही आपके इसके ऊपर फोटो सेल के ऊपर गिर रही है। अब हम डिस्टेंस को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो डिस्टेंस डिस्टेंस को अब मैडम देखिए धीरे धीरे चेंज कर रही हैं। ये देखिए डिस्टेंस यहाँ पर वेरी कर रहा है और उसी हिसाब से हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो भी वेरी कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए, तो आप देखिए इसको मेज़र कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए डिफ्लेक्शन आपका जो मैंने पहले दिखाया था उसके कंपैरिजन में आपका डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है। तो अब क्या देखिए, दो ही तो चीज़ करनी है आपने, लाके आपके जो सोर्स है उसको मूव करवाइए, सोर्स और सेल के बीच का डिस्टेंस देखिए और गैल्वेनोमीटर से आप डिग्री मेज़र कर लीजिए और ग्राफ आपका बन जाएगा। और अभी हम आपको ग्राफ भी दिखा देते हैं कि ग्राफ आपका कुछ किस तरह का बनेगा, खुद अंदाज़ा लगा के देखिएगा। ये देखिए ये रहा आपका ग्राफ। तो ये देखिए अगर आर स्क्वायर के वर्सेस अगर आप एंगल का बनाते, डिफ्लेक्शन का बनाते, तो ये इन्वर्स में आता, स्लोप उल्टा स्लोप आता। और हमने यहाँ पर ग्राफ देखिए किसके बीच में बनाया है, 1/r². तो अगर आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन है तो वह 1/r² के तो प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो डिफ्लेक्शन और 1/r² के बीच में जब आप इन्वर्स का ग्राफ बनाएंगे तो देखिए आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो कुछ इस तरह की रीडिंग आपके पास आ जाएगी। किसी भी बच्चे को कुछ भी इस एक्सपेरिमेंट में नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्यूरीज डाल दीजिएगा। और ये देखिए बड़ा आसान सा आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है, आपको फोटो सेल जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसमें फ़ोटो सेल बता रखा है, बता दीजिए किस पोजीशन पे है, हमने जैसे 98 पे फिक्स कर दिया था। लैंप की पोजीशन बता दीजिए कहाँ पर है। अब ये देखिए ये रही आपकी, ये पूरी की पूरी यहाँ से आप लैंप की पोजीशन बता सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेट नज़र आ रहा है 19 के ऊपर है। तो 19 इधर है, 98 उधर है, माइनस कर दीजिएगा। और माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर ए माइनस बी और ये आ गया आर, 1/r² कीजिए और डिफ्लेक्शन देखिएगा थीटा आपने गैल्वेनोमीटर से निकाल लिया था। अब भी किसी बच्चे को अगर कोई परेशानी आ रही हो कि कैसे क्या करना था, कोई भी क्यूरी हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में डाल के छोड़ दीजिएगा, जब भी हमें फुर्सत मिलेगी हम आप लोगों को जवाब दे देंगे। तो ये आपकी दो वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्व वैल्यू एंड करेक्ट वैल्यू। ये तब हम करते हैं जब हमारा जो गैल्वेनोमीटर था ना उसमें कोई एरर होता, यानी कि जो नीडल है आपकी रेड कलर की जो मैंने दिखाई थी वो ज़ीरो पे ना होती। अगर आगे पीछे करते तो आपको पता है कि अगर वो नीडल आगे पीछे होती तो हम या तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर या फिर नेगेटिव ज़ीरो एरर लेके करेक्शन कर रहे होते। तो ऑब्जर्व रीडिंग और जो करेक्ट रीडिंग है ये यहाँ पर वो दी गई हैं। तो हमारा गैल्वेनोमीटर बिल्कुल सही था, इस वजह से ज़ीरो एरर लिख देंगे हम वहाँ पर ज़ीरो, तो ऑब्जर्व रीडिंग ही हमारी क्या हो जाएंगी, करेक्ट रीडिंग हो जाएंगी।